हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने एक चीज़ ये इरशाद फरमाई कि क़यामत के करीब मुसलमानों पर इस कदर फितने आएंगे, इस कदर फितने आएंगे कि एक फितना अभी ख़त्म नहीं होगा, दूसरा फितना आ जाएगा। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की बात करें, यानी 10 साल की तारीख देखी जाए तो शायद कोई दिन ऐसा गुजरा हो जिस दिन मुसलमानों को निशाना न बनाया गया। तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान। الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں میرے عزیز دوستوں गुज़िश्ता कई जुमों से मैंने आपकी खिदमत में ईमान और अपनी औलाद, अपनी आने वाली नस्ल, उस मुनासिबत से कुछ गुजारिशात अर्ज की थी। गुज़िश्ता जुमे को मैं बीमारी की वजह से हाजिर नहीं हो सका था, एक मजमून उसी तसलसल में मेरे जहन में था और ये इरादा था कि उस मजमून को आपके सामने रखा जाए। वो मजमून अभी मेरे जहन में है लेकिन बीच में कुछ नई चीजें पेश आती रहती हैं, इसलिए मैंने ये इरादा किया है कि आज दूसरे मजमून पर आपसे गुफ्तगू कर लूं और अल्लाह तौफीक देगा तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते उस मजमून को आपके खिदमत में रखूंगा। एक पुरानी बात है, मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि एक अंग्रेज जो बहुत बड़ा किसी मुल्क का फौज का जनरल था, पुरानी बात है, उसने मरने से पहले अपनी एक, जिसको हमारे यहाँ सवाने उम्री कहते हैं, अपनी किताब लिखी। अक्सर ऐसे लोग जिंदगी के तजुर्बा शेयर करते हैं। उसने पूरी जिंदगी मुसलमानों से जंग लड़ते लड़ते ही गुजारी। उसने मरने से पहले एक अपना तज्जिया लिखा कि मैं मुसलमानों से जंग लड़ते लड़ते आज मौत के करीब पहुंच गया हूं और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुसलमानों से आमने सामने की जंग लड़ना किसी भी कौम के लिए मुश्किल और नामुमकिन काम है। इस कौम को अगर शिकस्त देनी है तो आमने सामने की जंग में इसे शिकस्त नहीं दे पाएंगे और अल्लाह ताला ये दिखलाते भी रहते हैं। अभी जाहिर सी बात है कि बहुत करीब में ही आपने देखा कि अफगानिस्तान में अगर 20, 25, 50 साल के बाद एक ऐसी नस्ल आए जिसने ये वाकई अपनी आंखों से न देखा हो और उसके सामने दोनों कौमों के जंगी और माली और समाजी हालात रखे जाएंगे तो उनके सामने एक नया सवाल खड़ा होगा कि एक ऐसी कौम जो असबाब के एतबार से किसी मुकाबले पे नहीं थी, वो कैसे जीत गई।
यानी मुकाबला हो उसमें कोई जीते कोई हारे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, वो तो होता ही रहता है, कभी ये जीत गए कभी वो जीत गए, जंग हो कोई और मुकाबला हो 19-20 का हो उसमें ठीक है, कभी 19 भी जीत जाता है कभी 20 जीत जाता है, लेकिन यहाँ तो 0 और 20 का मुकाबला था। 19-20 तो बहुत बड़ी चीज मैंने कह दी, 0 और 20। अब चूंकि हमने अपनी आंखों से ये चीज देखी तो हमने उसको तो मान लिया, लेकिन आने वाली नस्लें इस पर रिसर्च करेंगी कि कौम 0 होकर भी 20 को कैसे शिकस्त दे सकती है। ये तो उस फौजी जनरल की बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई और उसने अपनी कौम को एक मशवरा दिया। मशवरा ये दिया कि अगर आप मुसलमानों को तोड़ना चाहते हैं, उन्हें शिकस्त देना चाहते हैं, तो उसकी एक तरकीब है कि आप आमने सामने की जंग न लड़ें, प्रोपेगेंडा वार लड़ें, प्रोपेगेंडे की जंग लड़ें। चुनांचे उस कौम ने प्रोपेगेंडा वार शुरू किया और आप भर के मुझसे ज्यादा चीजों का इल्म रखते हैं, दानिश्वर हैं। चुनांचे अंग्रेजों ने अपने यहाँ एक डिपार्टमेंट शुरू किया मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा वार करने के लिए, डिपार्टमेंट शुरू किया। पहली बार आपको बतला रहा हूं, आपने हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटीज में बहुत से डिपार्टमेंट्स के नाम सुने होंगे, ये इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, ये मेडिकल साइंस का है, ये वकालत का है, या लॉ फैकल्टी है, या आर्ट फैकल्टी है, वगैरह वगैरह। मेडिकल साइंस में भी बहुत सी फैकल्टीज अलग हैं, ये ENT वार्ड है, ये कार्डियोलॉजी है, ये ऑर्थोपेडिक है, ये गाइना है, वगैरह वगैरह, लेकिन एक नाम आपने नहीं सुना होगा जो दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है, और वो सिर्फ यूरोप में अंग्रेजों ने, ईसाई मुबल्लिगीन ने, ईसाई मजहबी रहबरों ने एक शोभा कायम किया है। और अफसोस ये कि हमारे यहाँ उस तरीके पर काम नहीं हुआ जिसको हमारी जुबान में इस्तिशराख कहते हैं। उस शोबों में होता क्या है, हमारे यहाँ इस्तिशराख कहते हैं और जो बच्चे वहां पढ़ते हैं उन्हें मुस्तशरिख कहते हैं। उनको बहुत समाजी एतबार से उनका एक बड़ा बाइज्जत मकाम होता है, उनको अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं। और आपको हैरत होगी, ये वो तबका है जो कुरान पढ़ता है, हदीस पढ़ता है, इस्लामियात पढ़ता है, इस्लाम के उसूल पढ़ता है, अंग्रेज ईसाई इसलिए नहीं कि उन्हें मुसलमान होना है। उनके यहाँ बाजाबता है एक डिपार्टमेंट है इसका, और आपको अगर थोड़ा सा यकीन ना आए तो मैं एक चीज बतला दूं आपको कि अरबी की एक बहुत ही मशहूर डिक्शनरी है, लुगत है, वो एक ईसाई ने लिखी है अलमुंजिद के नाम से। कितनी मेहनत करती है वो कौम। मैं कई बार आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूँ कि जब मैं नदवे से फारिग होने वाला था तो मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि आगे की और मजीद इनकी तालीम हो जाए, तो उस वक्त भी और आज भी ऑक्सफोर्ड का बड़ा नाम है। वालिद साहब की तमन्ना हुई कि इन्हें ऑक्सफोर्ड भेज दें और आगे इसी में दीनियात में मजीद तालीम हासिल करें। नदवे के एक बड़े उस्ताद थे जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते थे, लेकिन 90% वहां का स्टाफ लोकल था, कुछ अरब स्टाफ था, कुछ हिंदुस्तान के थे, कुछ दूसरे ममालिक के थे। उनसे मुलाकात वालिद साहब ने की और अपनी ख्वाहिश उनके सामने रखी, तो उन्होंने एक मशवरा दिया कि एक काम करें, इसको ऑक्सफोर्ड अगर भेजना है तो पहले मदीना भेजें, वहाँ जामिया इस्लामिया है, यानी जिसे आप मदीना यूनिवर्सिटी कह लें। तो पूछा वजह क्या है, कहा वजह यह है कि ऑक्सफोर्ड में हदीस और फिका और तफसीर यहूदी और ईसाई पढ़ते हैं, अगर इस बच्चे की बुनियादें मजबूत नहीं होंगी तो वो कंफ्यूज कर देते हैं, जहरीले लोग हैं पढ़ते इसीलिए हैं, तो इसको पहले मदीना भेजो ताकि वहां पर दीन की बुनियादें इसकी मजबूत हो जाए, फिर ऑक्सफोर्ड भेजना। तो पता चला कि एक तबका ऐसा है जो यही काम करता रहता है इस्तिशराख का, लेकिन अल्लाह का निजाम इसके बिल्कुल बरक्स है।
हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इसीलिए हमारे रूहानी बाप भी हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम पूरी उम्मत के रूहानी बाप हैं, पैगंबर हैं, नबी आखिरी जमा हैं, इमामुल अंबिया हैं, वो सब है। और एक रिश्ता ये भी है, चुनांचे बहैसियत पैगंबर के उन्होंने एक जिम्मेदारी अदा की कि उम्मत को एक एक चीज बतला दी। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की जो सिफात है उसमें एक चीज बतला दूं मैं आपको, वो हमारे यहाँ उसमें ले लफ्ज आता है जवामियुल कलीम। जवामियुल कलीम आपकी खास खूबी थी। जवामियुल कलीम का मतलब ये होता था कि आप बहुत थोड़ा थोड़ा बोलते थे और उसमें मफहूम बहुत बड़ा होता था। कम लफ्जों में बड़ी बात कह देना, कम लफ्जों में बड़ा पैगाम दे देना, ये आपकी आदत शरीफा थी, आपकी सिफत खासा थी। ये बहुत बड़ी सिफत थी जो मिल जानी बिल्ला आपको अल्लाह ने अता फरमाई, कम लफ्जों में बड़ी बात कह देना। यानी जो पैगाम हम आपको देने के लिए एक घंटे का वक्त लेंगे, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम चंद मिनटों में वो चीज वाज़ेह कर देते थे। लेकिन आप लंबी तकरीरें नहीं करते थे, दो दो घंटे का बयान आप क्या नहीं था। आज मजबूरी है, मजमा ऐसा होता है कभी कभी कि बहुत सारी चीजें, एक चीज को समझाने के लिए बहुत सारी चीजें सामने मिला करके रखनी पड़ती हैं। लेकिन आपकी आदत शरीफा बहुत मुख्तसर गुफ्तगू की, लेकिन एक मौका ऐसा आया कि आपने बड़ी लंबी गुफ्तगू की तफसील से। बाज़ रिवायतों में यहां तक लिखा कि सुबह से गुफ्तगू शुरू की तो जुहर का वक्त हो गया, और फिर शुरू की तो असर का वक्त हो गया। और वो गुफ्तगू ये थी कि कयामत के करीब कैसे कैसे मसाइल, कैसे कैसे हालात उम्मत के सामने आएंगे और उन हालात का मुकाबला उम्मत कैसे करेगी। क्योंकि आप रूहानी बाप भी थे, आपको फिक्र थी कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। इसलिए बेयारो मददगार और बेसरो सामानी की हालत में नहीं छोड़ा, पूरा इंतजाम करके दिया कि ऐसे ऐसे कर लेना। चुनांचे उन्हीं में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने एक चीज इरशाद फरमाई कि कयामत के करीब मुसलमानों पर इस कदर फितने आएंगे, इस कदर फितने आएंगे कि एक फितना अभी खत्म नहीं होगा दूसरा फितना आ जाएगा। और हदीस में उसकी दो मिसालें दी गई, इसलिए मैं ये चीजें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि इससे हमारा ईमान मजबूत हो। इधर कम से कम हिंदुस्तान की 10 साल की तारीख देखी जाए और आलमी सतह की तारीख देखेंगे तब तो बड़ा मसला है। हम हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की बात करें, यानी 10 साल की तारीख देखी जाए तो शायद कोई दिन ऐसा गुजरा हो जिस दिन मुसलमानों को निशाना न बनाया गया हो किसी भी हैसियत से। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने साफ साफ फरमाया कि कयामत के करीब फितने ऐसे आएंगे, इस कदर फितने आएंगे। उसको समझाने के लिए दो रिवायतें हैं जहां दो मिसालें दी गई। एक मिसाल ये दी गई कि जैसे आसमान से बारिश के कतरे नाजिल होते हैं कि एक कतरा अभी आया था दूसरा आ गया, दूसरा पहुंचा नहीं तीसरा आ गया, तीसरा पहुंचा नहीं चौथा आ गया, ऐसे आसमानों से बरसात होगी फितनों की। एक मिसाल और भी दी गई, जैसे किसी की तस्बीह टूट जाए और उसके दाने फिर जिस तरीके से गिरने लगते हैं एक के बाद एक, इस तरीके से फितनों का नुजूल होगा, फितनों की बरसात। इस वक्त सूरत हाल वही है, फितनों की बारिश है। लेकिन हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने हमें इन फितनों से बचने के लिए सारे रास्ते भी बताए। वो रास्ते क्या है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मुस्तशरिकीन ने वहां से शुरू किया और 60,000 से जायद किताबें लिखी सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, प्रोपेगेंडा वार। मैंने ये मजमून आज इसलिए लिया कि भर के अब जो 2024 तक का वक्त है वो बहुत ही हसास और बहुत ही सेंसिटिव पीरियड है मुसलमानों के लिए। और फितनों के लिए मैं जिधर आपको ले चल रहा हूं, आप अंदाजा कर लें कि सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। क्या कुछ हो रहा है वो सब छोड़िए, कश्मीर फाइल्स एक फिल्म बनी, दोबारा फिर एक केरला स्टोरी बनी, और केरला स्टोरी की जो टाइमिंग थी उससे आप समझ गए होंगे उसका एक खास मकसद था। कर्नाटक का इलेक्शन था, आयन इलेक्शन के आसपास वो फिल्म रिलीज की गई,
और अभी सुना है कि 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले पहले ऐसी बीसियों फिल्में पीछे बनी तैयार हैं, वो मौके मौके पर रिलीज की जाएंगी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। अभी कोई लेटेस्ट फिल्म आ रही है 72 हूर्स। अब आप तसव्वुर करिए कि दूसरी कोई, मैं अब आपको जरा सा ये फितने हैं, लेकिन आपको मैं एक इस मुस्बत गुफ्तगु और एक दिल को मजबूत करने वाली गुफ्तगु, 10 साल की तो तारीख आपके सामने है, हमारे बड़ों के सामने तो सैकड़ों साल की तारीख है। किसी शायर ने कहा था कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहा हमारा। तो बरकैफ ये अब वो बात कौन सी है, कुछ बात वो कोई बात नहीं, सिर्फ हुजूर की दुआएं हैं और अल्लाह का करम है और कोई बात नहीं है। हम जो महफूज हैं उसमें हमारा कोई कमाल या हिंदी में कहिए हमारा कोई बहुत बड़ा योगदान ना, जीरो है। किसी भी मैदान में हम जीरो हैं। मैंने कई बार इससे पहले कहा, लखनऊ की सतह पर मैं कहता हूं, बाहर की सतह पर नहीं। मुझे सिर्फ बातें आपके सामने अर्ज करनी, क्योंकि एक सिक्वेंस में मजमून है कि अगर हम जायजा लें कि इधर 60-70 साल की नस्ल ने कौम के लिए क्या किया। मैं लखनऊ का हूं तो लखनऊ के लोगों से सवाल करता हूं, 60-70 साल की जो नस्ल है, हम भी उसी में हैं और आप भी उसी में हैं तकरीबन, हम इस नस्ल से एक सवाल करते हैं कि हमने कौम के लिए, उम्मत के लिए, अपने समाज के लिए क्या कुर्बानी दी है। एक कॉलेज भी हमने नहीं बनाया। लखनऊ के लोग जानते हैं, इस्लामिया कॉलेज हो, मुमताज कॉलेज हो, सुन्नी इंटर कॉलेज हो, ये 70-80 साल से ऊपर की उम्र इनकी है। और लखनऊ के बाहर अगर हम चले जाएं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो, ये भी 100-150 साल से ऊपर की हैं। तो इधर हमने कोई योगदान नहीं दिया है। तो वो जो हम शेर पढ़ लेना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कोई बात नहीं, सिर्फ बात इतनी है कि हम बच्चे इस वजह से हैं कि अल्लाह के रसूल की दुआएं हैं और अल्लाह का करम है, वरना इतने हमलों के बाद दुनिया की कोई कौम मिट चुकी होती। हमारे ईमान को मजबूत करने के लिए यही बहुत बड़ी हमारे सामने अल्लाह की निशानी है कि देखो कितने तूफान आ रहे हैं लेकिन फिर भी तुम जैसे तैसे अपने ईमान पर बचे हो, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमा रहे हैं। हमें जवाब क्या देना है? मैं इसलिए मजमून लेकर आपके सामने हाजिर हुआ कि अभी और फिल्में आएंगी, हम मुकाबला कैसे करें इन हालात का। देखिए मैंने एक आयत पढ़ी थी, वमकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। एक दुश्मन चाल चलता है, अल्लाह कह रहे मैं दूसरी चाल चलता हूं। दुश्मन चाल चलता है, दुश्मन को बज़ाहिर अल्लाह ताला दिखलाते हैं कि अब मंजिल करीब है, अब हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वो गफलत में रहता है और वो जो कामयाबी उसको नजर आती है उसी में उसकी शिकस्त पोशीदा होती है। फिरौन ने जब हमला किया मूसा अलैहिस्सलाम पर, उससे अगर लग रहा होता कि हम डूब जाएंगे तो इतना आगे ना जाता, उसे तो लग रहा था कि बस अब और तब, अल्लाह ताला ला रहे थे उसको वहां तक। ये अल्लाह का निजाम है, अल्लाह कभी कभी ऐसे हालात पैदा करते हैं दुश्मन समझ नहीं पाता है और वो 100 सुनार की एक लोहार की हो जाती है। मुझे आपके सामने जवाब भी देना है कि हम जवाब मुकाबला कैसे करें इन हालात का। मजमून को लंबा नहीं करना है। हुजूर पाक अली सलात व सलाम के साथ एक वाकया पेश आया। आज जुमे का दिन है, हम आप सूरह कहफ पढ़ते हैं, अल्लाह तौफीक देंगे तो इंशाल्लाह हम सूरह कहफ पर दरसे कुरान में बात शुरू करेंगे इंशाल्लाह बाद। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि उसका एक शान नुज़ूल भी है। शान नुज़ूल मतलब पसे मंजर। एक पसे मंजर ये हुआ कि मक्के में जो काफिर और मुशरिक आबाद थे, ये अहले किताब नहीं थे, इनके पास कोई आसमानी किताब नहीं थी, ये बुत परस्त लोग थे। इन्हीं में से एक शख्स खड़ा हुआ जिसको अल्लाह ने कबूल फरमाया, उसने दावा कर दिया कि मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूं। मैं आपको दिखला रहा हूं, वमकरू वमकर अल्लाह, ताकि हम मायूस ना हो, हम नाउमीद ना हो, हौसला ना हारें। हमारे सामने उसका जवाब है, हमें जवाब नहीं मालूम, बस वो जवाब आपको देना है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने जब दावा पेश किया
तो कुफारे मक्का की एक सरदारों की टीम बैठी और उन्होंने एक काम किया, हुजूर को सताना शुरू किया। मैं प्रोपेगेंडे वाली बात कर रहा हूं, परेशान करना शुरू किया। लेकिन वो जितना सताते थे, जितना परेशान करते थे, आपकी दावत में उतना जोर आता जाता था और लोग उतना ज्यादा इस्लाम में दाखिल होते जाते थे। एक मौका ये आया, कि कुफारे मक्का ने सोचा कि अगर आमने सामने की लड़ाई लड़ी गई, चूंकि अबू तालिब जिंदा है, तो बनू हाशिम में ही टकराव पैदा हो जाएगा, एक कबीला आपस में लड़ पड़ेगा, तो हमारी अरब में जो धाक है वो खत्म हो जाएगी। खामोश बैठ नहीं सकते, इसलिए कि उनकी दावत और बढ़ती जा रही, लोग जूख दर जूख इस्लाम में दाखिल होते जा रहे हैं। तो वही पहले तो प्रोपेगेंडा शुरू किया, अरे जादूगर है जो आज हो रहा हमारे खिलाफ, ये तो शायर हैं। अल्लाह उसका जवाब देते गए, शोरा खुद जवाब देते गए, नहीं शायरी तो मैं जानता हूं सबसे ज्यादा, वमा वो बिकौली शायर कलीलम मा तुमिनु वला बिकौली काहिन कलीलम मा तदक्करु। अब मिल करके बैठक किया क्या जाए, मुकाबला कैसे करें, इनको मार भी नहीं सकते और इनके खिलाफ हम जो भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो हम नाकाम हो जा रहे हैं। मार इसलिए सकते कि बनू हाशिम टूट जाएगा, उधर ही तो है अबू तालिब भी तो सरदार है। हाँ, अबू तालिब के इंतकाल के बाद अबू लहब सरदार बना, वो तो आपका अजली दुश्मन था, फिर उसी ने फतवा दिया कि इनका कत्ल कर दो, तब हुजूर को हिजरत करनी पड़ी। लेकिन जब तक अबू तालिब थे ये वो ऑर्डर जारी नहीं कर सकता था, तो सरदार भी नहीं था, दूसरे खतरा था कि आपस में खानदान दो हिस्सों बट जाएगा। चुनांचे उन लोगों ने बीच का एक रास्ता निकाला, कि एक कुछ लोगों की जमात बनाई और ईसाइयों के पास भेजा, देखिए अल्लाह की ताकत, ईसाइयों के पास भेजा कि जाओ और जरा पूछ करके आओ कि हमारे बीच में एक शख्स है जो हमारे ही घर का एक फर्द है, यहीं पैदा हुआ है, उसका बचपन उसका सब कुछ हमारी आंखों के सामने है, उसने एक दावा पेश किया है और कुछ पढ़ करके सुनाता है, लोग उसकी दावत को कबूल भी कर रहे हैं, हम लोग बहुत परेशान है, हम कैसे ये समझे कि अपने दावे में सच्चे हैं या झूठे हैं। चुनांचे वो डेलीगेशन वो वफद ईसाइयों के पास पहुंचता है, ईसाई उन्हें कुछ सवाल बताते हैं क्योंकि वो साहिबे किताब थे, उनके पास आसमानी किताब थी, उन्हें मालूम था, वो सवाल बताते हैं कि देखो ये चंद सवालात हैं, जाके उनसे पूछो वही क्या चीज है, पहला सवाल था साबे कैफ कौन है, जुल्करनैन कौन है, वगैरह वगैरह। अगर इस सवाल का जवाब दे देंगे तो समझ लेना पैगंबर है, और अगर जवाब नहीं दे पाएंगे तो समझ लेना पैगंबर नहीं है। अल्लाह की ताकत देखिए मेरे अजीजों, आप ये मत सोचिए कि हालात इन्हीं हालात में हमारे लिए अल्लाह ने कामयाबी की शक्लें छुपा रखी है, इन्हीं हालात में। चुनांचे नतीजा ये हुआ कि वो लोग वापस आए और वापस आकर के हुजूर के पास गए और सवालात किए, तीन सवाल। अल्लाह की ताकत देखिए, अल्लाह की तदबीर देखिए, हुजूर पैगंबर थे, हुजूर ने कहा कि मुझे इन सवालात का जवाब नहीं मालूम है, मैं कल बता दूंगा। अल्लाह का खेल देखिए यहीं से शुरू होता है, ये सब सूरह कहफ में 15वें पारे में आप सब पढ़ लेंगे, सब उसमें है, मैं कल बताऊंगा। कल इसलिए कहा कि जिब्राइल तकरीबन उस दौर में जब भी जरूरत पड़ती थी आ जाते थे, कभी कभी दिन में दो दो मरतबे आते थे, कभी कभी रोजाना आते थे, तो आपको मालूम था कि ये सवाल मेरे पास आया है, अल्लाह को इस वाकये का इल्म होगा, अल्लाह जवाब कल भेजेंगे, कल बता दूंगा। कल जवाब नहीं आया, अब हुजूर इंतजार कर रहे हैं, उधर कुफार इंतजार कर रहे हैं, दूसरा दिन हो गया फिर भी जवाब नहीं आया। अब कुफार ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, तीसरा दिन हो गया जवाब नहीं आया, कुफार ने मजाक से आगे बढ़कर हुजूर को छेड़ना शुरू कर दिया, बात बढ़ती गई और अल्लाह ताला तदबीर व मकरू मकर अल्लाह, तुम अपनी चाल चलो अल्लाह अपनी चाल चलते हैं। नतीजा क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता बाज रिवायतों में कई रोज गुजर गए और इधर ये बात घर घर एक एक बच्चे की जुबान पर, सुबह हो तो मक्के में कोई बात ना हो सिर्फ यही बात, क्या जवाब दिया, मुसलमान जो हो गए थे वो भी बेचारे परेशान और कुफार खुशी में कि अब हमें मौका मिल गया है इनको खत्म करने के लिए।
अल्लाह ताला ने फिर कई दिन के बाद जवाब भेजा और पहले एक तंबीह करी, वला तकूलन लिशैइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला इंशाअल्लाह। देखो पैगंबर, आइंदा ख्याल है, कोई भी काम जब आगे कहना तो उसमें इंशाअल्लाह जरूर मिला लिया करना। उलमा ने लिखा है कि खाली इंशाअल्लाह की तालीम देने के लिए थोड़ी इतने देर रोकेंगे, कि किसी काम के साथ इंशाअल्लाह कहना चाहिए, सिर्फ इतना बताने के लिए इतना परेशान करेंगे, इतना इंतजार तो नहीं कराएंगे अल्लाह ताला। इसमें कुछ अल्लाह की बहुत सी तदबीरें पोशीदा थी। क्या तदबीर पोशीदा थी? तदबीर ये पोशीदा थी कि अगर अल्लाह ताला उसी अल्लाह ताला चाहते तो उसी वक्त जवाब देते थे। यूं सवाल आता यूं जिब्राइल जवाब लेकर आते, और हुआ है कई बार हुआ, इस बार अल्लाह ने क्यों नहीं किया? अगर उसी वक्त जवाब आ जाता या दो घंटे बाद आ जाता या सुबह आ जाता तो जो डेलीगेशन था, जो वक्त था, वो इस पूरे किस्से को छुपा लेता, जवाब तो मिल जाता, लेकिन वो आगे बात बढ़ने ही नहीं देता कि हम कुछ सवाल लेकर गए थे, उसका इन्होंने जवाब भी दे दिया, इसका मतलब सच्चे पैगंबर हैं, वो उस बात को छुपा लेता। अल्लाह चाह रहे थे कि पहले ये बात इतनी मशहूर हो जाए कि ये छुपाना चाहे तो छुपा ना पाए, ताकि बाद में जो लोग इस जवाब के जरिए से हुजूर की नबूवत की तस्दीक करें उनके लिए रास्ते खुले रहें। अब अगर वो बेवकूफ शोर हंगामा ना करते तो उनका फायदा था, वो शोर हंगामा कर रहे थे कि हम शायद जीत रहे हैं और इसी शोर हंगामे से हुजूर को शिकस्त हो जाएगी, हालांकि उसी जीत में उनकी शिकस्त अल्लाह ने पोशीदा कर रखी थी। ये सरदारों ने फैसला किया, आजकल भी तो हुकूमत फैसला करती है, बाहर वही चीज जाती है जिसको हुकूमत चाहती है, हर मशवरा जो हुकूमत का होता है अवाम में थोड़ी पहुंचता है, तो उस वक्त की हुकूमत ने कुछ फैसले किए थे, वो चाहते तो क्या हुआ और कौन सवाल कौन जवाब कोई चीज बाहर ना आती, लेकिन अल्लाह ताला ने पहले ये इंतजाम कराया कि घर घर बच्चे बच्चे गांव गांव गली गली बल्कि मक्के से दूर दराज के कबीलों तक वो बात वहां के लोग भेजते, देखो भाई जवाब मिला कि नहीं मिला। और जो जवाब आया उसके बाद बहुत से लोग जो अभी जरा इंतजार कर रहे थे इस्लाम में दाखिल हो गए कि नहीं ये सच्चे इसका मतलब ये। तो मेरे अजीजो, इस वक्त जो प्रोपेगेंडे चल रहे हैं ये हमें इनसे घबराने की जरूरत नहीं, इसलिए कि हुजूर ने पहले ही बता दिया था, नंबर एक। नंबर दो, अब वो मैं अल्लाह तौफीक देंगे तो अगले हफ्ते थोड़ी जो बातें रह गई वो आपके सामने रखूंगा। नंबर दो, अभी आपकी खिदमत में जब मुझे हाजिर होना होता है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो अब हुआ क्या कि 9/11 जो अमेरिका में हादसा हुआ उसके बाद मुसलमानों ने वहां कैसे मुकाबला किया और उसके बाद इस्लाम में दाखिल होने वालों की तादाद बढ़ गई। सोशल मीडिया पर एक शख्स है, आज तक में है, शायद गालिबन आ गया है आज तक, उसका अभी आया है कि भी 2015 से लेकर 2020 तक दुनिया में सबसे ज्यादा कौन से लोग हैं जो किस मजहब में दाखिल हुए हैं, तो नंबर एक पर इस्लाम है सारी दुनिया में। अब यूरोप के लोग परेशान हैं कि हम इतनी कोशिश कर रहे हैं और उतना ज्यादा ही इस्लाम में लोग दाखिल होते जा रहे हैं, ये वही मक्के वाला हाल है। तो इतना बदनाम ना करो तो लोग शायद भूल जाए किसी को, लेकिन इतना छेड़ देते हो कि अपने आप लोगों के जहन में कुछ चीजें पैदा होने लगती। चुनांचे उसमें एक तजिया आया, उस तजिए को आपके सामने मुझे जवाब रखना है बस, इंशाल्लाह बातें कुछ अगले हफ्ते भी कर लूंगा, लेकिन मैंने बातें करी कि प्रोपेगेंडा हो रहा है, होता रहेगा और इजाफा होगा, लेकिन इसी में हमारे लिए अल्लाह ने कामयाबी के रास्ते भी रखे हैं, हमें इनका मुकाबला कैसे करना है। हुजूर की सीरत की रोशनी में कह रहा हूं कि इधर जो लोग दुनिया में इस्लाम में ज्यादा दाखिल हुए उसमें से कुछ रिसर्च किया है कुछ लोगों ने, किसमें ज्यादातर इस्लाम की किस खूबी को देखकर लोग मुसलमान हुए, इस पर लोग रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा, यूरोप के लोग माशाल्लाह इस काम में, वहां की मुस्लिम तंजीमें भी आगे पढ़ती हैं, वो तो रिसर्च किया है कि किसी ने कुरान पढ़कर किसी ने हदीस पढ़कर कैसे, ठीक है, लेकिन ज्यादा नंबर एक पर कौन सी ऐसी खूबी रही जिसकी वजह से लोग इस्लाम में ज्यादा दाखिल हुए, तो उस पर जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट बड़ी चौंकाने वाली है कि तकरीबन 70% लोग जो इस्लाम में दाखिल हुए वो किसी मुसलमान की जिंदगी को देख करके दाखिल हुए।
ना मुताला किया, ना कभी मस्जिद गए, ना कुरान की शक्ल देखी, कुछ नहीं पढ़ा, बस एक मुसलमान को पढ़ा, उसके साथ ऑफिस में रहे, उसके साथ बाहर रहे, उसके साथ कारोबार किया, उसके साथ उठे बैठे, एक मुसलमान की जिंदगी उनके लिए दावत का और फिर इस्लाम में दाखिल होने का जरिया बन गया। ये जो कुछ कर रहे हैं मेरे अजीजों, अल्लाह तौफीक देंगे तो कुछ बातें अगले हफ्ते करूंगा, लेकिन जो कुछ कर रहे हैं उनकी एक जगह आप कुछ ना करिए, सिर्फ अपने आप को मुसलमान बना लीजिए बस। हुजूर ने यही किया, अपने आप को सिर्फ मुसलमान बना लीजिए, उनके सारे प्रोपेगेंडे फेल हो जाएंगे। लेकिन यही अफसोस है कि हम अपने आप को मुसलमान नहीं बना पाए। यही एक जवाब है, हमें सिर्फ यही करना है इंशाल्लाह, और ये करते जाएंगे अल्लाह की तरफ से इंशाल्लाह रास्ते खुलेंगे, और फिर जूख दर जूख जिनके मुकद्दर में अल्लाह ने तौफीक दिखी है वो इंशाल्लाह इस्लाम में दाखिल होते जाएंगे। अल्लाह ताला हमें सही मानों मुसलमान बनने की और दीन के काम को करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।